जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माल्या की कहानी सुनेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्याचारी राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा के रूप में एक शक्ति का सृजन किया था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य या देवता उनका वध नहीं कर पाएगा। इस अभिमान से महिषासुर सभी देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के शरण में गए और महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए उनके साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक एक शक्ति निकली जिसने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित थी। उन्होंने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और दसवें दिन उसका वध किया। धार्मिक मान्यता है कि महिषासुर के सर्वनाश के लिए माल्या के दिन ही माँ दुर्गा का आवाहन के बाद अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि माल्या मौस्या की सुबह सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है, फिर शाम को माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक आती है और पूरे 9 दिनों तक भक्तों के कल्याणार्थ उन पर अपनी कृपा बरसाती है। जय माता दी।